सेविंग तो हो गया। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हुआ असाइनमेंट का? आप लोगों ने पीडीएफ नहीं बनाया उसका सॉल्यूशन सॉल्व करके? सो 25 के बाद के किसी के आंसर्स नहीं दे रखे, उसके पहले का सॉल्व किया। तो 25 के बाद के जो वैल्यूज वाले में आंसर अभी बता देता हूँ। हो गए सारे सॉल्व? हो गए वैसे? नहीं सर, 16 पे पहुंचे हो अभी, बाकी है आगे तो। राम, कैसे सर 25 हो गए? तुम लोगों के इरादे हैं बोर्ड एग्जाम में कुछ टॉप करने का? कुछ बोलना नहीं है, टॉप भी करना बोलना भी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चों के मैं अभी अभी नहीं बता रहा हूं, इसे 2-3 साल पहले रचना के एक स्टूडेंट थे, उसके 100 में से 100 आए, और उससे पहले एक केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट थे, उसके भी 100। लेकिन एक ही लॉजिक था, अगर बोर्ड में 100 स्कोर करना है आपको, तो आपको टेक्स्ट बुक की ईच एंड एवरी क्वेश्चन सिस्टमेटिकली क्लियर होने चाहिए, और भले उसके साथ आप आरडी या कोई भी एक्स्ट्रा बुक करो, लेकिन उसको प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मेन सोर्स आपका एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। अगर आपको बोर्ड में, क्योंकि देखो आप लोग भी ये बात सब लोग समझ चुके हो कि मार्क्स मेन है, क्यों मार्क्स से ही आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो ही आपका क्रेडिट देगा आपको कहीं भी कॉलेज में एडमिशन, तो आपके मार्क्स के ऊपर से एडमिशन है। तो टेक्स्ट बुक को तो बिल्कुल आप हटा नहीं सकते। दूसरा इसलिए टेक्स्ट बुक जब भी टेस्ट हो, कुछ भी हो, आप टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। प्ले आप एक्स्ट्रा जितनी प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपकी नॉलेज बढ़ती है, लेकिन स्कोर करने के लिए आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं रिजेक्ट कर सकते। और मैं चाहता हूं कि मेरे ईच एंड एवरी स्टूडेंट की फुल आउट ऑफ लाइन, लेकिन ये पॉसिबल ना भी जब तक अपने आप को डिसिप्लिन नहीं लगा है तो कंप्लीट होना चाहिए। फिर आप लोग नहीं करेंगे, आओ बताओ आधों को आएगा आधे को नहीं आएगा, तो मीनिंगलेस हो जाता है। अब भी देखो, आज तो पहले आपको ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, और डाउट से पहले मैं ये पूछता हूँ कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर है, देखो जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें चैप्टर में हमारा 5th, 6th, 7th, 8th, 9th ये 3 लगातार चैप्टर, मतलब 5 चैप्टर लगातार चलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम में ये 60% प्लस को मतलब कंटेन करते हैं। जैसे अभी तो 80 मार्क्स के एग्जाम है, 80 में से 60% यानी 48, 49, 50 मार्क्स तक का 80 में से इसी में आता है। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th इसमें सेकंड चैप्टर भी काउंट कर लो, यूनिवर्सिटी को भी एक रहेगा, कैलकुलस का पार्ट है। तो अगर आप स्कोर करना तो बीच में ये करते कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर हम इसमें कोई भी हम चैप्टर को बीच में सकते। अगर आप एक भी क्लास मिस करेंगे आप लोग बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन, उसकी एप्लीकेशन, फिर इंटीग्रेशन यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो ये सब कोरिलेट है। अगर आप एक मिस करेंगे आप बेहतर फंस जाएंगे, और इसमें आपके रोज की रोज प्रैक्टिस चाहिए। आप ये वीडियो देंगे नेक्स्ट टाइम कर लेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोग आवाज क्लियर आ रही है? नहीं सर। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं वो 5 से लेकर 9 तक कंटिन्यूस करना है, क्योंकि ये आपका 60% स्कोर करता है, यानी आउट ऑफ 80 48 मार्क्स इसमें से ही आएंगे, यानी 40 out of 80 यानी आप 48 प्लस मार्क के कर सकते हैं, जिसमें सेकंड चैप्टर को भी काउंट करेंगे एक तरह का, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पार्ट है, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं एक तरह से। एक दिशा, आप जैसा बोलो मैं आपको भेजूंगी, फिर आप उसी टाइम पे बता देना।
हाँ मैं उसी में करेक्शन करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 25 से पहले किसी का कोई डाउट है बेटा इसमें? सर 20 में ये पूछना था कि -3/4 की वैल्यू क्यों नहीं आ सकती. एक बार 20 में माइनस नहीं बेटा, साइन कॉट इनवर्स 3/4 है, -3/4 नहीं है वो. नहीं सर, आंसर के आंसर की बात कर रहे हैं. अच्छा इसका आंसर 28 का आंसर 3/4 है और आपका -3/4 आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं +-3/4 आ रहा है, तो ये पूछना था कि माइनस की वैल्यू. अच्छा हाँ, इधर तो इसमें आप क्या करोगे, देखो आपको दोनों साइड x की जगह, नहीं सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह +3/4 पुट करो. देखो अगर आप -3/4 पुट करते हो तो माइनस बाहर चला जाएगा और इसका जो आंसर है राइट हैंड साइड में प्लस आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस तो मैच नहीं कर रहा है, तो माइनस वाला इसमें से रिजेक्ट हो गया. -3/4 जब आप x में पुट कर रहे हो तो लेफ्ट और राइट के आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाएगा. तो आपको +3/4 पुट करना दोनों साइड और 3/4 में मैच हो रहा है. मैं करके बताऊं ये आप नहीं समझ पा रहे हो? और खाली वो 9 = 6 मतलब वो वैल्यू इस क्वेश्चन में डाल रहे तो आंसर आ रहा है. हाँ नहीं, वो कभी भी एग्जाम में दो आंसर है ना, मैंने आपको पहले बताया दोनों कभी करेक्ट होते नहीं है. आप नेगेटिव वाले में ज्यादा चेक किया करो, कभी नेगेटिव वाले यूजली नहीं प्रूव होता, तो नेगेटिव को पहले चेक करो. पॉजिटिव तो यूजली हो जाता है लेकिन उसको भी साथ में चेक करना जरूरी है. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में जरूरी है कि कंपल्सरी दोनों को चेक करो. चलो 25th क्वेश्चन. 25th बिल्कुल नहीं है 25th मेरे को कि आपको सिखाना है कि आपका कोई डाउट है इसमें सर. तो मेरा 25th का आंसर आ गया है π/4, प्रॉब एक बार बता दो तो फिर हाँ क्लियर हो जाए कि आंसर सही है या नहीं. सही है, मैं बता देता हूँ. ठीक है ये रहा. क्वेश्चन में दिया है 2 tan inverse sec x ये आपको दिया है. आपको इसमें सबसे पहले यहां पर दिया 2, जब भी 2 tan inverse x होती है इसका फॉर्मूला होता है 2 tan inverse x का फॉर्मूला tan inverse 2x upon 1 minus x. को ये यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में यूज करना है याली प्रॉपर्टी यहां पर. तो आपने लिखा tan इनवर्स 2 x की जगह sin x 1 माइनस sin स्क्वायर x और राइट में tan इनवर्स 2 sec x. अब दोनों साइड से tan tan आपका हट जाएगा और ये 2 sin x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और यहां 2 sec x. 2 कैंसिल, sin x is equal to sec x into cos square x. sin x is equal to sec को आप 1 by cos लिख सकते हो, 1 by cos x into cos square x. तो sin x is nothing but cos x और cos नीचे गया तो tan x is 1. tan of which angle is 1? π/4, tan of 45. तो ये actually इसका आंसर है tan of 45. एक मिनट, ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को कि फिर से एक्सप्लेन करो? यस सर. पक्का देख लो कोई भी स्टेप, सिर्फ इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होगा उसके बाद आपका आराम से सॉल्यूशन आ जाएगा और कहीं कहीं आपको आइडेंटिटी ध्यान रखनी पड़ेगी. सर हाँ बोलो बेटा. इसमें से डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना ये स्टेप की अपन ने, sec x into cos square x, तो sec x into cos cos x तो 1 होता है तो सीधा cos x. हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल करेक्ट है, वो तो अच्छी बात है. राइट, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? और कोई क्वेश्चन जो आपको नीचे से नहीं आए? चलो मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं 25th से लेकर. देखो 25th का आंसर है π/4, 27 का आंसर है +1, 29 का आंसर 27 का आंसर 1, क्योंकि जो प्रूफ दैट है उसमें आंसर्स नहीं, वो आपको खुद चेक करने.
और 30 का आंसर है रूट 3। ये आपके, ये एक्चुअली बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बोर्ड के ज्यादा बुक से रिलेटेड ही क्वेश्चन, इसलिए बोर्ड को थोड़ा आप लोग किस तरह अप्रोच करो मेरे को देखना है। चलो ये हो गया, और कोई डाउट है तो मैं हेल्प करूं। चलो अब मैं आप लोगों से सजेशन पूछ रहा हूं। देखो अब जो चैप्टर है, अब कैलकुलस स्टार्ट होने वाला आज से, लेकिन कैलकुलस स्टार्ट होने से पहले मैं ये चाह रहा हूं कि 5 से लेकर 9 तक आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। बीच में एक भी सेटिंग आपने गड़बड़ की, पूरा कैलकुलस खराब हो जाएगा हमारा। सेटिंग नहीं, अगर आप सेटिंग कहीं किसी रीजन से मिस भी करते हैं तो उसका वीडियो कंपलसरी देखना है आपको, क्योंकि अब इंटीग्रेशन सब एक साथ ही होने वाला है, क्योंकि ये पूरा आपका 48 मार्क्स कवर करेगा। और उसकी जगह फिर अगर नहीं तो फिर आपके पास वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी और LPP है, ये 4 चैप्टर जो डिफरेंट है, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है आप कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं। हेलो आप लोग बोलो तो मैं तो हेलो हेलो हाँ बोलो बोलो मान्या। हाँ सर, आप कोई सजेस्ट करो कि आप कैलकुलस करना चाहते हैं, कोई इजी चैप्टर करना चाहते हैं, या कंटिन्यू आप चल रहे हैं, एकदम फोकस है तो कंटिन्यू चलो, कुछ नई सजेशन है तो वो बताओ, क्योंकि अभी कंटिन्यू चलेगा हमारा। वंशिका आप बताओ कोई सजेशन। और कैलकुलस कर दो क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा है अगर लास्ट में रखेंगे तो। हाँ वो तो प्रैक्टिस के लिए टाइम लगेगा। हाँ ये बात मैं बिल्कुल आपसे एग्री हूँ, फिर भी मैं बाकियों से सजेशन ले लूँ। वंदन सर करा दो कैलकुलस। कैलकुलस पक्का? धैत्र तुम क्या बोल रहे हो? सर कैलकुलस नहीं कराना चाहिए। पक्का तैयार हो कैलकुलस? फिर मिसिंग नहीं कर सकते हम। हाँ सर वो भी है, पर सर कैलकुलस फेस टू फेस ही मजा आएगा सर। फेस टू फेस मजा, फेस टू फेस बता, अब कोई चांस नहीं है अभी सितंबर तक। हाँ होता है सितंबर के बाद ही हो सर, पर बहुत देर ना हो जाए बेटा, बहुत लेट। मैं आपको सिंपल स्लो स्लो चलूंगा, बस फास्ट नहीं चलने वाला हूँ। हाँ सर पता नहीं स्कूल में भी स्टार्ट करा दे चैप्टर। हाँ ये भी करा, फिर आप लोगों को स्कूल में भी प्रॉब्लम होगी। मैं सही रहते तुम्हारी बात से एग्री हूँ, लेकिन फिर भी आप बस इसमें आपका पार्टिशन ज्यादा होना है, पार्टिसिपेट आपको ज्यादा करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, बस ये मैं चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। चलो 100% ठीक है। चलो आज मैं तुम्हें लॉक सिखा रहा हूँ, लॉक के थोड़े बेसिक्स बता रहा हूँ, लॉक क्या होता है और लिमिट्स के लास्ट ईयर के जो हमने पढ़े तो उसके फॉर्मुलेस बता रहा हूँ। सर पर लॉक बुक नहीं है मेरे पास। लॉक बुक की नहीं है, आज हम सिर्फ लॉक के रूल्स समझेंगे, और कल से आप लॉक बुक लेकर रखना अपने पास, और उसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले सर लॉगबुक केमिस्ट्री की बुक के पीछे है। हाँ केमिस्ट्री फिजिक्स की बुक है ना, जिसके पास उसके पीछे होता है बस उतना ही चाहिए आपको, मार्केट भी नहीं जाने की जरूरत है। केमिस्ट्री फिजिक्स का आपकी प्रैक्टिकल बुक्स लो और प्रैक्टिकल कॉपी के पीछे भी देखोगे तो मिल जाएगा आपको। चलो मेरे पास नहीं है लॉगबुक। लॉगबुक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी पड़ी है लास्ट ईयर की नहीं पड़ी है। सर मैं आरजी को दे दूंगी वो फोटोज उसके लॉगबुक के। ठीक है चलो अभी तो उसकी जरूरत नहीं, पहले मैं आपको लॉग के बेसिक्स रूल्स बता दूं क्या होता है। देखो लॉग्स क्या है, पहले थोड़ा लॉग समझना, क्योंकि इसमें लॉग के क्वेश्चंस काफी हैं, फिर आप लोग लॉग का मतलब ही नहीं पता तो आप लोग करोगे कैसे। देखो लॉग लॉगरिथम, लॉग का शॉर्टकम है लॉगरिथम। आपके दो तरह के लॉग हैं, एक लॉग है आपका नेचुरल और एक हम लोग जो प्रैक्टिकल हम लोग कॉमन लॉग यूज करते हैं। अब ये लॉग कैसे है वो मैं आपको, नेचुरल में ई आएगा, कॉमन में आपका 10 आएगा। लेकिन लॉग समझने से पहले ये देखो, आप लोगों ने देखा है कि 2:3 करते हैं तो आंसर कितना आता है? 2:3 8 आता है, बिल्कुल सही।
8 आ गए, ठीक है। अब लॉग क्या करता है, लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब भी आप लॉग निकाल रहे हो तो लॉग ये दोनों ही 8 है, तो आपने लिखा लॉग ऑफ 8 लिया, और 8 को हम किससे डिवाइड करें, मतलब लॉग 8 है इसमें बेस आपका 2 और ये पावर, तो यहां हम लिखेंगे बेस log of 8 to the base 2 is always 3। कहने का मतलब अगर 8 को 2 से आप डिवाइड करते जाओगे तो 3 टाइम्स में 8 आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2 रेस टू 5 32 होता है, तो आप इसको लिखोगे दोनों ही 32 हैं लेकिन दोनों के बेस 2 है, तो log of 32 to the base 2 is always 5। ये समझ में आया आप लोगों को? जैसे आपने यहां लिखा 2 रेस टू माइनस 1 तो 1 बाय 2 आता है, तो आप लिखेंगे log of 1 बाय 2 टू द बेस 2 इज ऑलवेज माइनस 1। यानी ये दोनों ही 1 बाय 2 है, इनका आंसर 1 बाय 2 है लेकिन इसमें जो बेस है वो 2, तो यहां बेस लिखा और इसका टोटल आंसर यहां पर हमेशा पावर आ जाएगा। ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो सर। अब मैं सारे क्वेश्चन यहाँ दूंगा, सभी को लॉग में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा और फिर मैं चेक करूंगा कि आप लोग राइट कर रहे हो कि रॉन्ग। 10 रेस टू 0 इज 1, 5 रेस टू 3 इज 125, 6 रेस टू 3 इज 216, 7 रेस टू माइनस 3 इज 1 अपॉन 343, 3 raised to minus 4 is 1 upon 81। अब इन सबको log में convert करो और जैसा गलत आता गलत करो, मैं आपको फिर यहां correct करके बताऊं कैसे log में लिखते हैं। सर एक बार वापस बताओ ना, मैंने अभी join किया सर। कहाँ चला गया? मैं ढूंढ रहा था प्रियांश, कहीं दिख ही नहीं रहा है। मैं फोन करने वाला था तो अच्छा सर, समय नेटवर्क सर नेटवर्क। अच्छा नेटवर्क जरा ठीक है। चलो देखो लॉग हम लोग जो कर रहे हैं ना, पता ही नहीं होता लॉग होता क्या, इसलिए लॉग के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। जैसे देखो जब भी हम लॉग यूज करते, लॉग एक्चुअली लॉगरिथम यानी शॉर्टकट मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिविजन एंड कोई भी पावर के लिए लॉग यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा यहां लिखा 10 रेस टू 2, तो आपको पता है 100 होता है, यानी 10 का स्क्वायर करें 100, इसका मतलब 10 बेस है 2 पावर है और इस पूरे का रिजल्ट 100 आ रहा है। लेकिन अगर इसको मेरे को लॉग में लिखना है तो मैं इसे लिखूंगा लॉग ऑफ 100, क्योंकि हम 100 का लॉग निकाल रहे हैं लेकिन इसमें बेस क्या है 10, तो ये पूरा बेस यहां पर यहां ऑलवेज पावर, यानी आपने 100 को अगर 10 से ही डिवाइड किया तो 2 टाइम्स 10 10 करने से ये 100 आ जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में भी हम यूज कर, जैसे 100 लिखा तो 100 को हम 10 से डिवाइड, 10 से 10 ही यूज करना है जब तक 1 नहीं है, तो 10 दो बार यूज किए यहां 10 लिख दिया। अब जैसे मैंने यहां लिखा 5 रेस टू माइनस 1 1 बाय 5 होता है, आप लोगों को पता है, तो हमने लिखा लॉग ऑफ 1 बाय 5 क्योंकि इसका आंसर 1 बाय 5 है, बेस क्या है 5, तो इसका आंसर है माइनस 1। जैसा अभी लिखा मैंने 2 रेस टू 0 1 होता है, तो यहां लिखा log of, ये पूरा आंसर आपका 1 है लेकिन बेस अगर 2 है तो उसका आंसर 0। ये समझ में आया आप लोगों को? प्रयास आया आपको समझ में? हाँ सर। अब इन सभी को log के टर्म्स में आपको लिखना है, क्या आंसर सबने लिख लिया आंसर, तो मैं चेक करूं। प्रियांश तुम सिर्फ देख लेना। हां सर लिख लिया। अब देखते हैं कि प्रियांश सिर्फ तुम चेक करना, तुमको समझ आया तो आंसर आपका मेंटली हो जाना चाहिए। जैसा भी यहां देखो इसको लिखेंगे तो आपको पता है ये सारा लॉग, क्योंकि ये पूरा 1 है लेकिन बेस आपका 10 इक्वल टू 0, इसमें लिखेंगे लॉग 125 बेस आपका 5 इक्वल टू 3, log यहां लिखा 216 टू द बेस 6 इज 3, log यहां है आपका 1 अपॉन 343 बेस आपका 7
इक्वल टू माइनस थ्री। अब जैसे यहां लिख रहे हैं लॉग 1/81 टू द बेस 3 इज माइनस 4, ये आपका लॉग आ गया। सबका आंसर मैच हो रहे हैं, जरा चेक करो लॉग में सबका राइट बैठ रहा है कि कुछ गलती हो रही है, आप लोग ढूंढ देख लो। मान्या आपका कितने राइट बैठे बेटा? सर सही है, सारे सारे सही है, बिल्कुल सही। यानी आप लोगों को लॉग में लिखना आ गया। ये जो है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट में लिखना, पावर में लिखना, एक्सपोनेंट में। और ये इस तरह से लिखना है लॉग में लिखना, लॉगरिथम में लिखना। अब आपको लॉग में लिखा हुआ है उसको एक्सपोनेंट में बदलना है। जैसे आपने लिखा, जैसे ये नंबर है लॉग में लिखा है, इसको पावर में बदलना है, तो आप लिखो 10^0, ये 10 बेस 10^0 इक्वल टू 1। जैसे यहां 5 है तो 5^3 पावर 3 इक्वल टू 125। यहां देखो बेस 6 टू द पावर 3 इज ऑलवेज 216। बेस 7 रेस्ट टू पावर माइनस 3 इज 1/343। यहां पर 3 रेस्ट टू माइनस 4 इज 1/81। ये है आपका लॉग का इनिशिएट। ये पता चला आप लोगों को? ये लॉग में लिखा था, मैंने पावर में कैसे, एक्सपोनेंट में कैसे चेंज किया, और एक्सपोनेंट है तो लॉग में कैसे कन्वर्ट करना है, दोनों चीज को रिलेट है। अब देखो इसके आगे क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज। जैसे अभी देखो आप कभी भी लिखते हो 2^1 आंसर 2 आता है, 3^1 आंसर 3 आता है, 4^1 आंसर 4। तो कभी भी आप जैसे यहां लिखते हो लॉग, बेस आपने 2 रखा और ये नंबर 2, तो ऑलवेज इज 1, लॉग 3^3 1, लॉग 4^4 1। यानी अगर बेस और नंबर सेम है तो उसका लॉग हमेशा 1 आएगा, 3^3 1 2^2 1। अगर आपने यहां लिख दिया लॉग 10 और यहां 10 है तो ऑलवेज 1 हो जाएगा। बेस सेम है और जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं वो भी सेम है तो ऑलवेज 1 है। यानी अगर आपने यहां लिखा 100 और यहां भी 100 लिखा तो ऑलवेज 1। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया कि बेस सेम है और नंबर सेम है तो उसका लॉग हमेशा 1 आएगा कुछ भी कर लो। ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो, सबको क्लियर हुआ ये? वंदन समझ आया? अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आपको पता है 2^0 1 होता है, 3^0 1, 4^0 1, 5^0 1। अगर आप यहां लॉग निकालो, आपने यहां लिखा लॉग 2^2 और यहां 1 लिखा तो ऑलवेज आंसर 0। आपने यहां लॉग 3 लिखा, बेस आपका आ रहा है मतलब 1, बेस 3 0, लॉग 4 1 0, लॉग 5 1 0। कहने का मतलब कभी भी अगर यहां 1 है कोई भी बेस हो ऑलवेज आंसर 0 आ जाता है। कहने का मतलब अगर आपने लॉग यहां पर लिखा 1 और कोई भी बेस डाल दो, 10 डाल दो, कुछ भी डाल दो, ऑलवेज 0 आएगा। यानी आपका 1 हुआ, लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 हो जाता है कोई भी बेस हो। और अगर आपका नंबर सेम है दोनों तो ऑलवेज 1 हो जाता है। लेकिन अगर बेस आपका कुछ भी हो, ए बाई जेड कुछ, लेकिन यहां अगर 1 है ऑलवेज आंसर 0 आ जाता है। ये लॉग की सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड देखो, जैसे अभी आपको दिया है लॉग, यहां दिया है बेस आपको 9, सपोज यहां दिया 3 और यहां दिया है 27 और इसका आपको आंसर फाइंड करना है, तो पहले आप क्या करो 27 को 3 की पावर में बदल दो।
तो 27 होता है 3 का क्यूब, ये क्यूब हो गया। इसका जो 3 है वो हमेशा जंप करके आगे आ जाता है, 3 log 3 3, इसका जो पावर है वो जंप करके आगे आ जाएगा और आपके पास बचेगा 3 log 3। मैंने बोला अगर यहाँ बेस और ये नंबर सेम है तो इसका आंसर ऑलवेज 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हुआ 3, 3 × 1 3। जैसे अभी मैंने लिखा log, यहां लिखा मैंने 5 और यहां लिखा 625, तो आपने लिखा log 5, 5 raised to 4, तो 4 आपका जंप होके आगे आ जाएगा और ये पूरा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4। ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई कि अगर जो बेस है उसी बेस में इसको चेंज करो, जैसे आपके पास है यहां log 381, इसका आंसर क्या आएगा आप जरा सोच के बताओ, log 264, log 5 1/5, log 749। ये 4 क्वेश्चन फटाफट करके बताओ मेरे को। देहत्र आपको आ रहा है समझ में? यस सर। अच्छा बताओ इसके आंसर्स क्या है, जरा बताओ इनके आंसर्स क्या आने चाहिए सर। हो गए चारों की नहीं हुए? हो गए सर। ठीक है, वाह क्या बात है, बड़ी स्पीड है। अच्छा बताओ 81 का क्या, इसका फर्स्ट आंसर कितना है? 4 है सर। वेरी गुड। देखो इसमें 81 होता 3 raised to 4, तो 4 आ गया 3 3 सेम, तो इसका आंसर 4। 64 होता है 2 raised to 6, 8 आ जाए 6 होता है, 8 होता है 2 raised to 8, क्या वैल्यू कितना होता मालूम आपको? नहीं पता। 64 होता है 2 raised to 6 और इसका 8 अगर हम करें 64 4 जा 256 होता है, तो 8 टाइम होता है 250, तो इसका आंसर 6। इसको चेंज करने के लिए आपको 5 raised to -1 करना पड़ेगा और -1 आगे आ जाएगा और ये पूरा आपका 1, तो -1 इसका आंसर हो गया। अब 49 देखें तो 7 का स्क्वायर है, 2 आगे आ गया, ये 7 हो गया, तो ये लॉग का थर्ड जो हमने फिफ्थ रूल पढ़ा। गौरव एक मिनट टाइम दे कितना, अब 5 मिनट का अभी लॉग खत्म नहीं हो बेटा। आप लोग लॉग देखो, लॉग के अभी प्रॉपर्टीज लाकी हैं, क्योंकि जब हम सीधा एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी आ रहे हैं डिफरेंशिएशन में भी आ रहे हैं, मैं सीधा स्टार्ट कर दूं बीच में बताऊं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए आप थोड़ा सा समझो और इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस भेजूंगा आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, यहां लिखा है 9 और यहां लिखा है 3, अब आपको इसका आंसर चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कैसे करना है, इसकी प्रॉपर्टी बता दूं। पहले आप 9 और 3 दोनों को सेम बेस में कन्वर्ट करो, 9 होता 3 का स्क्वायर और 3 raised to 1, ये 1 आगे चला जाएगा और 2 भी जाएगा, लेकिन 2 नीचे की साइड जाएगा तो 1/2 और यहां हो गया 3 3, तो ये पूरा आपका 1 हो गया, तो इसका आंसर 1/2 log 9 3। अगर 9 है उसको 3 में गया तो 3 का स्क्वायर, 3 है 3 raised to 1, तो 1 आगे इसका 2 आगे और दोनों 3 3 कैंसिल हो गए 1/2। जैसे आपके पास यहाँ log, यहाँ 25 लिखा है, यहाँ 125 लिखा है, इसका आपको आंसर चाहिए, तो आप ये देखो कि 125 5 का क्यूब होता है और 25 5 का स्क्वायर, तो आपने लिखा 5 का क्यूब नीचे 5 का स्क्वायर, तो ये 3 आगे गया 2 आगे गया, ये हो गया log 5 5 जो कि 1 हो गया, 3/2 इसका आंसर है। समझ में आया आप लोगों को? हेलो। हाँ सर। अब देखो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, log 512 64, log 27 729 1000 0.1 64
ये चार क्वेश्चन करो, मेरे को आंसर्स बताओ क्या क्या हैं। मान्या आंसर निकल गए? नहीं सर। कोई बात नहीं, कोशिश करो बेटा, नहीं आएंगे कोई बात नहीं। सर फर्स्ट का 1/3, 1/3 देख लेते हैं, तुम निकालो फिर मैं आपका आंसर चेक करता हूँ। 2/3 है शायद, वो भी देख लेते हैं क्या है। 3/2 है शायद से सर। चलो तुम दो सारे कंफ्यूजन दूर कर देते हैं हम आप लोगों के। 64 and 512, 64 होता है 2 raised to 6, 512 होता है 2 raised to 9। हाँ सर 2/3 बाहर गए, 2 आ गए, तो ये हो गया आपका 2/3 आंसर। 6/9 का आंसर 2/3 पहले का। दूसरा आपको पता है ये 3 raised to 9 होता है और ये 3 raised to 3 होता है, तो आपने लिखा log of 3 raised to 3, 3 raised to 9। अगर जितना पता नॉलेज उतना आप लगा सकते हो, 9/3 log 3 3, ये 1 हो गया, ये 3 आंसर आ गया इसका, इस पूरे का आंसर 3। थर्ड किसी का निकला? थर्ड का आंसर -1/3 पक्का? -1/3 इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। देखो क्या है, ये 10 का क्यूब है और ये 10 raised to -1 है, तो -1 आगे, 3 नीचे और ये तो 1 हो गया, 1/3 बिल्कुल परफेक्ट आंसर। इसका आंसर सो 5/6 पक्का? चलो ये 5/6 बिल्कुल राइट आंसर, ये 2 raised to 5, 2 raised to 6, 5/6 आंसर। बस आज का इतना रखते हैं लॉग को और मैं कंटिन्यू। लॉग बुक अपने पास रख लो प्लीज, और मैं जिस जिसको होमवर्क वगैरह प्लीज कंप्लीट करो, और मैं देखूंगा आज बाकी कुछ 5-6 क्वेश्चन और भेज रहा हूँ। अच्छा टेस्ट के साथ साथ टेस्ट की तैयारी रख लो सेकेंड चैप्टर के, क्योंकि अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफ्रेंसिएशन में भी आने वाला है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग फिर वहां कंफ्यूज हो। बस आज का इतना रखते हैं, लॉग को मैं कंटिन्यू कराऊंगा, टेस्ट पेपर में बना के रखूंगा, उस दिन आप लोगों को एक आधा घंटा और रुकना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। और बता के लेंगे क्या नेक्स्ट डे? टेस्ट कंपलसरी है उस दिन, क्योंकि चैप्टर हो गया है, पहले हम पढ़ाएंगे उसके बाद मैं बोल दूं रुक जाओ आधे घंटे के लिए, मैं यही आपके साथ ही रहूंगा, उस समय टेस्ट होगा आपका। ज्यादा छोटा ही टेस्ट है, 5 क्वेश्चन है, 5-6 मतलब एक रिविजन कराना पूरा बुक का, ओनली बुक बुक बुक, बुक के अलावा कुछ नहीं करना है, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल बुक सब उसी के होंगे। चलो बाय बच्चों, सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो कहाँ चले गए सब लोग, हो कि नहीं? बाय सर। बाय प्रियांश, तो बड़ा मजे से आता है, 10 मिनट के लिए आता है, 10 मिनट में गायब।